भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार के समय ये नियम कठोरता से लागू था कि धान बेचने के 3 दिन बाद 72 घंटे के बाद धान का उठाव कस्टम मिलिंग हो जाना चाहिए। लेकिन आज प्रदेश में 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, उसके बावजूद धान अभी भी नहीं उठाए। आप जाकर देखेंगे धान अंकुरित हो चुका है, धान सड़ चुका है, धान बर्बाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का गठन किया है, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो काफ़ी भयावह है। लगभग 8 से 10 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो खराब हो चुका है, करोड़ों रुपए की राशि का अपव्यय हुआ है और सरकार की लापरवाही इसमें स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। इन सब के बावजूद सरकार अभी भी इस मामले को छुपाने में दबाने में लगी हुई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपा है उसमें यह बताया गया कि लगभग 91 लाख मीट्रिक टन धान उठ चुका है, जबकि वास्तव में हकीकत जाकर देखेंगे आज भी सोसाइटी में धान वैसी का वैसी पड़ा हुआ है, धान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। ये प्रदेश की क्षति नहीं, ये राष्ट्रीय क्षति है, इसकी पूर्ति बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, इसकी जिम्मेदार राज्य की भूपेश बघेल की सरकार है। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटरतला, रायपुर।